आज हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं पिछली दो वीडियोस से। अगर तुम्हें पुरानी कोई भी वीडियो देखनी है तो अभी आईटी पे दिख रहा होगा, वहां से तुम वो देख सकते हो। और आज हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है और उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कुछ नहीं होती, सिंपल एक फॉर्मूला है जो एक साइंटिस्ट बता के चले गए थे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म या फिर लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को दिया है लैपलास ऑफ, मतलब मैंने तुम्हें दोनों लिख के बता दिया है, और लिखना था यहाँ पे मेन फॉर्मूला तो अपना यही है, मगर फॉर्मुलेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी लगती है। लैपलास ऑफ 0 टू t f(x)(f(2t-x)dx होता है f(1s)f(2x)। ये नॉर्मल लैपलास में लगती है बट अपन यूज नहीं करते, अपने को लैपलास इनवर्स में यूज करना है। ठीक है, लैपलास इनवर्स ऑफ f(1s)f(2s) इक्वल्स टू होता है 0 टू t f(1x)f(2t-x)dx। मेनली जब हमें दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए होंगे तो हम लैपलास इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है कैसे होता है। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, लैपलास इनवर्स ऑफ 1 / s s² + a² अब इसे कैसे करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो सबसे पहले अपन दो फंक्शन मान लेंगे, कैपिटल f1 ऑफ s है 1 / s एंड कैपिटल f2 ऑफ s है अपना 1 / s² + a² ठीक है, क्लियर है। अब अपन इसका लैपलास इनवर्स निकालेंगे तो f ऑफ t आ जाएगा, f1 ऑफ t आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा f2 ऑफ t आ जाएगा 1 / a sin of at। इसके फॉर्मूले तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें याद हो गए होंगे। अब अपन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, लैपलास इनवर्स ऑफ f1s / f2s इज इक्वल टू 0 टू t f1x / f2t-x dx। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो, जो भी लिख रहा हूं अपना कोई दिक्कत नहीं है, f2x / f1t-x dx ये भी पॉसिबिलिटी है, जो अपने को अप्रोप्रिएट लगेगा अपन वो यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने को f1t की वैल्यू पता है, f2t की वैल्यू पता है, तो अपन इसमें करेंगे जो अपन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें अपन ये वाला लगाएंगे 0 टू t f2x / f1t-x dx। क्यों लगाएंगे, क्योंकि f1 1 है तो उसमें t-x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना इंटीग्रेशन इजी ही होगा। अगर मैं इसमें t-x लूंगा तो यहाँ पे a इन ब्रैकेट t-x आ जाएगा जो डिफिकल्ट हो सकता है, तो फालतू अपन क्यों डिफिकल्ट बताए। ठीक है, तो अपन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 0 टू t f2x 1 / a sin of ax / 1 dx। सिंपल साइन ए एक्स की क्या हो जाएगी, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, तो 1 / a मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए और लिमिट है 0 से t। माइनस को बाहर ले लो और ए को बाहर ले लो तो माइनस 1 / a² कॉस ऑफ ए एक्स, लिमिट है 0 से t। t रखेंगे अपन सबसे पहले तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए टी, माइनस 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 - cos of at अपॉन ए स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना तो साइन चेंज हो गया। क्लियर हुआ, बहुत इजी है ना, सिंपल। अपन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला पता था, दो फंक्शन अपन ने सपोज किए, सबसे पहले उनका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर अपन ने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अपने हिसाब से यूज करके इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल आंसर आ गया, समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लैपलास इनवर्स ऑफ 1 / s + 1 / s² + 1 एक बार तुम्हें ट्राई करना हो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, चलो बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ, f1 ऑफ s पर f1 ऑफ s सपोज करेंगे 1 / s + 1, f2 ऑफ s सपोज करेंगे अपॉन 1 / s² + 1। ठीक है, इसका अपन जब लैपलास निकालेंगे तो f1 ऑफ t लैपलास इनवर्स निकाल रहे हैं अपन, जब उसका लैपलास इनवर्स निकालेंगे f1 ऑफ t मिलेगा अपन, इसका लैपलास इनवर्स निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा e^-t। जब मैं इसका निकालूंगा तो f2 ऑफ t ये हो जाएगा sin ऑफ t। सिंपल कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती थी, लैपलास इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s डॉट f2 ऑफ s इक्वल्स टू 0 टू t f(x) / f2t-x dx। ठीक है, इन दोनों में एक्सचेंज हो सकता है, तो अपन यहां निकालेंगे लैपलास इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s कितना है 1 / s + 1, f2 ऑफ s कितना है 1 / s² + 1 = 0 टू t
f1 ऑफ एक्स और f2 ऑफ एक्स कुछ भी ले लो सेम ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स डॉट साइन ऑफ टी माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए तो अपन थोड़ा मिटा देते हैं, सिंपल बस इतना ही लिखते हैं, 0 टू टी ई रेज टू माइनस एक्स साइन ऑफ टी माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इसे मानते सेकंड फंक्शन, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसे मैं फटाफट इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है माइनस आई को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आई एक आई चल ही रहा है ना, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ टी माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ टी माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। क्लियर है, ये आई प्लस आई टू आई हो जाएगा तो टू आई इक्वल टू आ जाएगा अपना कॉस ऑफ टी माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ टी माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। ये टू ई से चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ टी माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स होल अपॉन टू। अब इसमें अपन जब लिमिट पुट कर देंगे जीरो टू टी तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेशन तब थी, क्वेश्चन बहुत ईजी था, इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना था, और ऑब्वियसली यार इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अपन कहीं बी एस सी कर रहे हैं एम एस सी कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन इतनी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन थोड़ी अपने बाद क्वेश्चन ईजी है, क्लियर हुआ है ना, आसान सिंपल। अपन ने जो था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को लगाया उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ था, उन्होंने तो पूरा करके दिखा दिया, अब सिंपल लिमिट्स पुट करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है वो बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है 1/2 cos t - sin t - e raised to minus t। जब तुम इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बहुत ईजी। इसके बाद क्लियर है, आया समझ, मेरे सबसे क्लियर हुआ होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं अपने से खुद से करा पाऊंगा करा रहा हूँ, बाकी तुम्हें होमवर्क देता हूँ वो किया करो, वो तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन तो वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, और मैं प्रूफ्स स्किप कर रहा हूँ क्योंकि प्रूफ्स मुझे नोट्स में प्रॉपरली लिख के दे रखे, बाकी तुम्हें उसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से इंस्टा कर दिया करो, मेरे को डीएम कर दिया करो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर करना हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, करा ट्राई, चलो बताता हूँ। 1/s + 2 का होल स्क्वायर s माइनस 2, तो अपन सेम चीज करेंगे, f1 ऑफ s मानेंगे अपन 1/s + 2 का होल स्क्वायर और f2 ऑफ s मानेंगे अपन 1/s - 2। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, इसका लैप्लास इनवर्स ऑफ f1 s लिखूंगा जब मैं, तो हो जाएगा e रेज टू माइनस टू टी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s2। क्या करा अपन ने, शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी लगा दी लैप्लास इनवर्स की, इसमें तो सिंपल हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ f(2s) इक्वल्स टू e रेज टू 2t। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा f(2t) इज इक्वल्स टू e रेज टू 2t। आंसर नहीं आया मतलब f(2t) निकाल लिया है। ठीक है, इसमें करेंगे अपन f(1t) आ जाएगा अपना t e रेज टू माइनस 2t। क्लियर है, तो अब अपन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करेंगे, तो वो क्या होती है, लैप्लास इनवर्स ऑफ f(1, 1/s + 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f(2, 1/s - 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f(x, f1x) · f(2t - x) dx। ठीक है, सिंपल अपन वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 टू t f1 मतलब x e^-2x और f2 (t - x) · e^2(2t - x) dx। ठीक है,
अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं अपन यहाँ पे थोड़ी जगह लेके, जीरो टू टी एक्स, इस पूरे को अपन जब सम अप करेंगे तो वो आ जाएगा ई रेस टू टू टी माइनस फोर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो और सॉल्व कर दो। फर्स्ट फंक्शन में डिफरेंशिएट होकर वन हो जाएगा और सिंपली सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन तो तुम लोग कर लोगे ना। हाँ, बहुत इजी है, करके देखना हो जाएगा, नहीं हो तो फिर मेरे से पूछ ही सकते हो। इसका आंसर बता देता हूँ, फाइनल आंसर आ रहा है इसका, ये आंसर आना चाहिए इसका, क्लियर है, हो जाएगा, तो टफ नहीं है, करो ट्राई करो, हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है, बस मेथड याद रखना, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या लगानी है, बाकी फिर करना तो मैं एटलीस्ट आठ अपनी में जाके हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा क्लियर रखना, इंटीग्रेशन में कोई डाउट हो तो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लो, वहां जाके क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ज्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो क्लियर करके रखो। ठीक है, तो होमवर्क भी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत करो प्रैक्टिस, तो चीजें क्लियर होंगी। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वापस करके देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको करके देखना, और ये होमवर्क किया करो, नोट्स में इनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाकी चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो, अरे करना चाहिए यार, किसी का भी चैनल हो, अगर तुम्हें लगे सामने वाला एफर्ट्स लगा रहा है तो अपने को उसे अप्रिशिएट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए उसके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कैसी लगी वीडियो, और अपने को इम्प्रूवमेंट बताना चाहिए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फीडबैक देना चाहिए ना कि कैसा लगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन करके देखना, इनके सॉल्यूशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म में कहीं भी कोई भी दिक्कत जा रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और हो सकता है तुम्हें क्वेश्चंस थोड़े टफ लग रहे हो स्टार्टिंग में, टफ लगते हैं स्टार्टिंग में, टेंशन मत लो, सबके साथ होगा, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होगा, होता है, मेरे साथ भी होता है, तब मैंने चालू किया था करना। तो तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें स्ट्रांग होंगी, अच्छी होंगी, कहीं डाउट होगा तो होगी। ठीक है, और चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।